हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित आदि करे बिज गेमर। तो भाई आ गए वापस अपने न्यू वीडियो के साथ और आज का गेम प्ले होने वाला है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं दोबारा से पबजी मोबाइल और बहुत दिनों से खेला नहीं था तो वापस खेलेंगे। ये गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कॉमेंट्री में बहुत ही ज़्यादा कम दूंगा, बस बीच बीच में देता रहूँगा क्योंकि आपको गेम प्ले समझ में आ जाए। तो अभी तो उतर रहे हैं पोचिंग की, पर पोचिंग में दो ही बंदे आते हैं और उनको कैसे पेलते हैं वो देखो। A few minutes later. हाँ तो गाइस, हमें गन किन मिल चुकी है, यूजी गन मिल गए हैं और अपनी डीबीएस गन मिल चुकी है। आगे से फायरिंग का आवाज आता है तो सीधा चलते हैं फायरिंग की तरफ और देखो इस बंदे को कैसे पेलते हैं। फुर्सत तो भाई हो, एक ही बंदे का आ रहा है पर बंदे दो दो है। देखे कैसा, एक बंदा कैम कर रहा था और एक बंदा मारने की प्लानिंग कर रहा था। देखो इसे कैसे पेलते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ तो भाई, ये बंदा इतना डेंजर कैंप करके बैठा था, भाई कैंपर का भी बाप था। इतना डेंजर कैंप भाई मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ कि मैंने उसकी लोकेशन पता कर ली थी इसलिए मैं बच गया। तो इसका पार्टनर सीधा रश मारने के लिए आ जाता है और ये भी डीबीएस से मर जाता है। अच्छी हुआ कि मेरे पास डीबीएस जैसी गन थी, और नहीं होती तो भाई मैं एक ही गोली का था, एक ही गोली में मर जाता क्योंकि मेरी एचपी ना के बराबर है। यहाँ से जल्दी से लूट करते और मैं जल्दी से लूट करने के बाद निकलते हैं जहाँ पे बंदे बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, चलो निकलते हैं। हाँ तो गाइस, हम आ चुके हैं अपार्टमेंट की तरफ और मुझे लगा कि अपार्टमेंट की तरफ तो एक या दो बंदा, मतलब कोई कितने तो स्क्वाड होएंगे, पर यहाँ पे तो एक भी बंदा नहीं दिखता। मैं यहाँ से निकलता और सीधा चलता हूँ रोजक की तरफ। हाँ तो गाइस, रोजक में आ जाते हैं हम। रोजक में भी एक भी बंदा नहीं दिखता हमें, पता नहीं बंदे कहाँ पे छुप गए हैं। तो यहाँ से सीधा हम जाते हैं जॉर्ज पुल, क्योंकि जॉर्ज पुल बंदे रहने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो प्लेन जो आ रहा था जॉर्ज पुल की तरफ से ही आ रहा था। तो जॉर्ज पुल जाता हूँ मैं, जॉर्ज पुल आई से तो इतने दूर कभी जाता तो नहीं हूँ, पर क्योंकि प्लेन वहाँ से आ रहा था तो जॉर्ज पुल में बंदे ज़्यादा होने के मतलब चांसेस है। तो चलिए जॉर्ज पुल। A few minutes later. तो मैं जॉर्ज पुल पहुँच जाता और जॉर्ज पुल जैसे ही मैं पहुँचता हूँ वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आती है और मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो गाइस, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ और मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और मुझे दिमाग से खेलना पड़ेगा। डुओ होता तो गाइस मैं दोनों बंदों को आराम से संभाल लेता, बट ये डुओ वर्सेस स्क्वाड है तो भाई संभाल के खेलना पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चार बंदों ने मेरे अकेले के ऊपर रश मार दिया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं ऊपर मतलब अच्छा खासा एक देखता हूँ कि बंदों की लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि जॉर्ज पुल में मैं नया आया था, मतलब अभी आया था तो बंदों की लोकेशन मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैं पता कर रहा था। और जैसे ही पता करता हूँ देखो बंदे कैसे पेलते हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
हाँ तो गाइस मुझे चाहिए था एक बढ़िया सा स्कोप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ और मुझे यूजी से मारने में मतलब इतना जम नहीं रहा था इसलिए। और मुझे इस बंदे ने भाई 6x ला के दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बात है। आप देखते हैं इससे कितने बंदे पेलते हैं। A few minutes later. What? What the fuck? हाँ तो गाइज हमें नेट डालना था उस रेड टैंकर के पास, पर हमारा जो नेट था वो काफ़ी ज़्यादा दूर की सोच रहा था, काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया। जाने दो वो आगे जाएगा जाएगा, कब तक जाएगा तो जाने दो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ तो गाइज यहाँ पे मुझे मिल जाता है बॉर्ड भाई साहब, और बॉर्ड भाई साहब को मैं इसी टेक्निक से यूज करने वाला हूँ ना। अब देखो भाई वहाँ पे बॉर्ड गया है, बॉर्ड जाने के बाद वो बंदा बॉर्ड के लिए मतलब बॉर्ड को मारने के लिए बाहर निकलेगा, और जब वो बॉर्ड को मारने के लिए बाहर निकलेगा तब मैं उसे मार दूंगा। और वो बॉर्ड को मारता तो है बट वो अपना चेहरा दिखाता है और लगता नहीं है शॉट, मतलब एक भी गोली उसको नहीं लगती है। मैं फायर तो करता हूँ पर वेक्टर की यही तो दिक्कत है, वेक्टर का मतलब गोली ही नहीं लगती। वेक्टर एक अलग ही परिभाषा से मतलब आती हुई गन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है मुझे चीज़ कौन सी, तो वो थी लूट, क्योंकि मेरे पास लूट ना के बराबर थी, मेरे पास लूट नहीं थी। और DBS थी, पर DBS एक ऐसी गन है जो कि वो गन मतलब क्लोज रेंज से मारने वाली गन है, वो लॉन्ग रेंज से भाई कतई मार ही नहीं सकती, क्योंकि DBS की गोलियाँ वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। तो मुझे यहाँ से कुछ भी करके यहाँ पे निकलना ही था। और बॉट तो मेरे लिए आया था, मुझे एक 6 किल मतलब 1 किल मुझे देके गया, उसको नहीं देके गया मुझे देके गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात थी। पर मेरे पास गोलियाँ बिल्कुल भी नहीं है और DBS है उसका कुछ काम नहीं है, तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब इस जगह से मुझे जाना पड़ेगा और थोड़ी बहुत लूट करनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। हाँ तो गाइस यहाँ पे मेरी फटके हाथ में आ जाती है, मतलब वो बंदा यहाँ था यहाँ से वहाँ चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा उसका शरीर दिखता है यार, पर मैं फायर नहीं करता क्योंकि गोलियाँ बहुत ही ज़्यादा कम है और संभाल के यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और यहाँ से सीधा लूट कर के लिए निकलता हूँ। तो देखो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया भाई। मतलब इसे क्या कहे, मतलब उड़ता तीर भंड में लेना भाई यार। मुझे मैं गलती से वो बटन दब गया, पर मैंने गलती से नहीं दबाया था, मैंने दबाया था पर मुझे लगा नहीं कि भाई ये बंदा सीधा ऊपर से जंप करेगा नीचे, ठीक है। तो भाई ये तो अलग ही सीन था यहाँ पे। हाँ तो गाइज हम सीधा ऊपर से आते हैं और नीचे लूट के लिए प्रस्थान होते हैं, क्योंकि लूट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और लूट नहीं होगी तो हम उसे बुक्कों से तो मार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा लूट थी, इतनी ज़्यादा लूट थी कि वो लूट से हमारे 7 पुस्तें खरीद लेता। तो क्या ही बताए, यहाँ पे लूट की ज़रूरत थी। यहाँ पे भगवान की दुआ से हमें UMP मिल जाती है, जो कि मारने देसी गन है, वेक्टर से तो कितनी ज़्यादा अच्छी गन है मैं बता नहीं सकता, शब्दों में शब्द कम पड़ रहे हैं UMP के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे UMP M4 AKM ऐसी गन की ज़रूरत है, और भगवान की दुआ से मुझे UMP मिल गई। तो यहाँ पे इतना डेंजर सीन होता है ना, तो
नहीं मतलब मजाक हो रहा था यहाँ पे, नहीं मतलब मैं यहाँ पे मुजरा करने के लिए आया था। उसको भाई दो हेड लगे, मतलब दो हेड, वो 1 HP से भी कम होगा। और ये तो पहली बार हो रहा है, दो हेड खाने के बाद भी बंदा जिंदा है। हैकर तो नहीं है ऐसा मुझे लगा पहले, ठीक है हैकर नहीं था वो बंदा, पर ऐसा लगा मुझे। मैं नेट फेंकता हूँ पर नेट वेस्ट ही जाता है, क्योंकि नेट हमारा नीचे गिरा था। तो इस बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सेंस लगा के, दिमाग लगा के मारता हूँ, तो देखो कैसे मार। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट। ला 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 ला। उस जगह से हम सारी लूट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप के पास आते हैं, और ड्रॉप के पास आ जाने के बाद यहाँ पे एक ऐसा मनुष्य मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग था। स्मोक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और सीधा लूट के लिए प्रस्थान हुआ और पेटी बन गई उसकी। देखो कैसी बनती है। हाँ तो वो हमारे राइडर साहब पता नहीं कहाँ पे चले गए, कहाँ पे प्रस्थान हुए, किस नाली में गिर गए, हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे हमें भाई साहब मिलते हैं, जिन भाई साहब को हम इतनी गहरी में मारेंगे आप देखो खुद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ तो भाई नसीब इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा खराब था, उसके पास ही मेरी गाड़ी खत्म, मतलब यहीं पे गाड़ी बंद हो गई। और अच्छी बात है वो बंदा मुझे दिखाई, दूर से ही दिखाई दिया था, और मुझे पता नहीं था कि मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है। और उसका पार्टनर बड़ी दूर से मारने की कोशिश कर रहा था, उसको तो भाई बड़े आराम से मारा मैंने, पर डैमेज हराम खोर ने बहुत ज़्यादा दिया। और यहाँ पे ये इन दो बंदों को मैं निपटाने के बाद चलते थोड़ा आगे कि बंदा दूसरा कहाँ पे। अगर मेरी गाड़ी में फ्यूल होता ना तो मैं बहुत ही आराम से उसे मार सकता था, पर मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था और आजू बाजू में कौन सी भी गाड़ी नहीं थी। और यहाँ पे इस बंदे को मैं इतना फनी मोमेंट से मारता हूँ ना, मैं पक्के से बता रहा हूँ, शॉर्ट या मैं रील पे इसे अपलोड कर दूंगा। बंदा देखो कहाँ पे था, बंदा एकदम मेरी साइड में, उसको तो पता ही नहीं वो कौन से सदमे में है। बंदा एकदम मेरी साइड में, वो मुझे आराम से मार सकता था, पर बंदा पता नहीं सदमे में था या कौन से सदमे में था। पर खैर छोड़ दो, 12 किल के साथ खतरनाक सा चिकन डिनर हो गया हमारा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ब्रांड न्यू वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और एंटरटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मैंने इस वीडियो में, और बहुत ही ज़्यादा एडिट में टाइम गवाया है मैंने। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ लाइक कर दो, एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। व्यूज़ भी नहीं आ रहे और लाइक भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 15 मिनट का वीडियो हो गया है, पूरा एक पूरा जो वीडियो था ना पूरा हो गया था। देखो मैं बता दूँ,
मेरा 35 मिनट्स का पूरा एक वीडियो था, मतलब ये उसको मैंने कट करके पूरा 15 मिनट का बनाया है। अभी मैं ज़्यादा खींचना तो नहीं चाहता, पर बाय बाय यही बोलना चाहता हूँ।